गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप सो हमने एक्टिवेशन एनर्जी अच्छे से कवर कर लिया है और आरएनएस इक्वेशन भी हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। उसमें कैसे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन बनती है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे, वो भी हमने देख लिया है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है कैटलिस्ट का। आखिर दो का इफेक्ट हमने देखा, कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखा, साथ ही साथ हमने देखा कि कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, और इसको हमने बेहतरीन तरीके से किया है। ठीक है, इसके बाद जो हम करने जा रहे हैं वो है मेरा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, इफेक्ट ऑफ जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं करता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, वो फास्टर कर देता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं डेफिनेशन, द सब्सटेंस व्हिच अल्टर्स द सब्सटेंस व्हिच अल्टर्स द सब्सटेंस व्हिच अल्टर्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज कैटलिस्ट इज नोन एज कैटलिस्ट इज नोन एज कैटलिस्ट एंड द फेनोमेनन ऑफ चेंजिंग रेट ऑफ चेंजिंग रेट phenomenon of changing rate of reaction by the use of catalyst is known as catalysis is known as catalysis। ठीक है, मतलब अगर रेट ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट के द्वारा चेंज किया जाता है तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, कैटलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। कुछ कैटलिस्ट ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करे, हो सकता है कोई कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है उस कैटलिस्ट को पॉजिटिव रेट ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है उसको हम नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं यहां पे पॉजिटिव catalyst increases rate and negative catalyst decreases rate, negative catalyst decrease कर देता है rate को। For example, जैसे KClO3, ठीक है, अगर आप normally इसको reaction करवाओगे heat करके तो ये आपको KCl देगा प्लस आपको ये देगा O2 गैस। ठीक है, नॉर्मली रिएक्शन होगा। अगर इसी रिएक्शन को मैं KClO3 को मैं करवा रहा हूं लेकिन MnO2 के साथ करा रहा हूं, ठीक है, तो प्रोडक्ट अभी भी KCl प्लस O2 गैस ही बनेगा, बट यहां पे कलर ऑफ ऑक्सीजन गैस हो जाएगा ब्लू कलर। इससे और क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, फास्टर हो जाता है। तो एक पहचानने का भी तरीका होता है कि मान लीजिए अगर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है ब्लू कलर का और यहां पे कलरलेस हो रहा है, तो जब ब्लू कलर का प्रोड्यूस होता है इसका मतलब MnO2 इज एज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट ओनली। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको लिख देता हूं, वो याद रखिएगा। ठीक है, कैटलिस्ट नेवर कंज्यूम ड्यूरिंग the course of reaction, catalyst never consumed during the course of reaction। ठीक है, कभी भी आप इसका मतलब समझो कि एक तो rate of reaction catalyst के amount पे depend नहीं करता, कभी भी नहीं। आप इतना चुटकी भर से भी catalyst डालोगे तो भी rate of reaction क्या हो जाएगा, faster हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि आप बोलोगे एक बोरी भर के आप कैटलिस्ट डाल दोगे तो ऐसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक छोटा सा भी चाहिए ना मुझे, एकदम छोटा 0.01 ग्राम भी लोगे ना
तो भी रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। पहली बार ड्यूरिंग द रिएक्शन का भी खत्म होता भी नहीं है, ठीक है। वो कैटलिस्ट नेवर इनिशिएट रिएक्शन, कैटलिस्ट नेवर इनिशिएट रिएक्शन, कैटलिस्ट कभी रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं करता। कैसे, अब मैं बोला 100 के 100 के बंडल की गड्डी आपके पास और उसको जला दिया मैंने, तो फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मतलब जो भी आपको मिलेगा वो राख मिलेगा। तो मैं बोला भाई उसमें कैटलिस्ट डाल देता हूँ, तो क्या वो नोटों की गड्डी दोबारा बन जाएगी, नहीं बन जाएगी। मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कैटलिस्ट कभी भी किसी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है, ठीक है। रिएक्ट एज मतलब आप ये बोल सकते हो कैटलिस्ट कभी भी रिएक्टेंट भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये भी दो चार मिथ है जो याद रखिएगा, कैटलिस्ट आर नॉट चेंजिंग, और क्या कैटलिस्ट डज नॉट चेंजेस एवरेज एनर्जी लेवल, एवरेज एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दैट इज ईआर और ईपी, ठीक है। याद रखना कभी भी रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी कैटलिस्ट के द्वारा चेंज नहीं होती, वो एज इट इज। अगर आप किसी रिएक्शन को विदाउट कैटलिस्ट प्रोसीड करो या किसी रिएक्शन का विद कैटलिस्ट प्रोसीड करो, एवरेज एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की क्या होती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल की सेम होती है, ठीक है। लास्ट सेकंड लास्ट, कैटलिस्ट डज नॉट चेंजेस, कैटलिस्ट डज नॉट चेंजेस द थर्मोडायनेमिक बिहेवियर, चेंजेस द थर्मोडायनेमिक बिहेवियर ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन दैट इज डेल्टा एच। याद रखना कैटलिस्ट किसी रिएक्शन का डेल्टा एच भी चेंज नहीं करता, ऐसा नहीं कि रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होने से डेल्टा एच चेंज हो जाएगा, तो उनका कोई आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब बेसिकली कैटलिस्ट तो कभी चेंज नहीं कर सकता डेल्टा एच, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, हमें भोरी भर की जरूरत नहीं है, 2 किलो 3 किलो की जरूरत नहीं है, चुटकी भर कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट करने के लिए क्या होता है, काफी होता है, ठीक है। उसके बाद है अब कैसे आखिर ये रेट को इंक्रीज करता है, ये सब बात तो ठीक है सर आपने बता दिया कि भाई कैटलिस्ट ये नहीं करता कैटलिस्ट वो नहीं करता, बट हाउ कैटलिस्ट चेंजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन, या आप ऐसा पूछ सकते कि मतलब क्या ऐसा वो कर देता है, व्हाट डज इट डू कि इनसाइड दैट के रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। तो याद रखिएगा कैटलिस्ट जो काम करता है वो काम ये करता है कि वो किसी भी थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब किसी भी रिएक्शन की थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब भाई जब आप मार्केट में किसी के एलईडी टीवी लेने जाती हो, जो मिनिमम बेसिक प्राइस होता है उस टीवी को खरीदने के लिए, उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब वो उसका बेसिक प्राइस होता है, तो किसी भी रिएक्शन को प्रोसेस करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। अगर यदि ऐसा हुआ कि मान लीजिए कि आपको डिस्काउंट मिल गया कि भैया 1 लाख का टीवी था 65 इंच का 55 इंच का, उसमें आपको मैंने डिस्काउंट दे दिया है 30%, मतलब 70,000 में मिल गया, तो ये डिस्काउंट या समझ लो जो डिस्काउंट हो गया, जो रेट घट गया, वही काम करता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्या कर देता है, घटा देता है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी घटी, जो पहाड़ वाला जो था ना, पहाड़ में जो पीक था वो पीक को नीचे कर देता, पीक नीचे करने से थ्रेशोल्ड एनर्जी नीचे हुआ, दूसरा मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी, सॉरी उल्टा बोल दिया मैं, पीक नीचे हो गया मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी कम हुआ, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी कम कौन किया, कैटलिस्ट कम किया, और वो जैसे नीचे आएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पहले इतना घूम के जाना पड़ता, इतना घूम के हमको जाना पड़ता, मतलब बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ, ग्राफिकली और समझ में आ जाएगा आपको। कैटलिस्ट प्रोवाइड an alternative path to the reaction,
alternative path to the reaction in which threshold energy will change, in which threshold energy will change, in which threshold energy will change due to which EA also changes, activation energy also changes, and rate of reaction also changes. ठीक है, तो ये ग्राफ आपको मैंने बताया था, ये वाला ग्राफ. ठीक है, जब ये वाला ग्राफ मैंने आपको बताया था तो याद करिए ये वाले ग्राफ में. ठीक है, ये मेरे लिए क्या था, थ्रेशोल्ड एनर्जी. ठीक है, इनिशियली विदाउट कैटलिस्ट वाला, ये था विदाउट कैटलिस्ट वाला थ्रेशोल्ड एनर्जी. अब क्या होगा, ये था मेरा रिएक्टेंट की एनर्जी. मैंने क्या बोला, कैटलिस्ट कभी भी रिएक्टेंट के मतलब एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या ईआर और ईपी को छेड़छाड़ नहीं करता, यह एज इट इज रहेगा. ये क्या करेगा, ईटी को थोड़ा कम कर देगा. तो पहले ईटी मेरा यहां था, देखो अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी की बात करूंगा तो ये डिफरेंस है मेरा एक्टिवेशन एनर्जी का. अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी मेरी यहां पे आ गई ईटी डैश, मतलब ये कैटलिस्ट के साथ हुआ, ये ईटी डैश कब हुआ मेरा, वही रिएक्शन है बट विद कैटलिस्ट मैंने इसको यूज किया तो ईटी डैश मेरा कम हो गया. तब आपको सिर्फ इतना ही एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा ये डैश में. तो मैं बोल सकता हूं ईए इज ग्रेटर देन ईए डैश एंड ईटी इज ग्रेटर देन ईटी डैश. जब थ्रेशोल्ड एनर्जी कम हो गई तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. आ रही बात आपको समझ में आ चुका, ठीक है. अगर आपको ये बात समझ में आ गई होगी तो अब यहां पे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी. ठीक है, ठीक है, सुनिए. अगर इसको और ग्राफिकली समझे तो समझिए बात पे कर. ठीक है, ईआर मेरा यहां पे था और ईपी मेरा यहां पे होगा. ठीक, ग्राफ तो मेरा एज इट इज, मतलब ईआर ईपी में कोई भी चेंज नहीं आने वाला. ठीक है, ईआर ईपी में कोई भी चेंज नहीं आने वाला. ये था मेरा थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये क्या था मेरा थ्रेशोल्ड एनर्जी ईटी. ये कर्व जो है मेरा विदाउट कैटलिस्ट है, क्या है मतलब विदाउट कैटलिस्ट. ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसी रिएक्शन को एक पॉजिटिव कैटलिस्ट के साथ प्रोसीड कर रहा हूं और एक नेगेटिव कैटलिस्ट के साथ. ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट वाला क्या करेगा, समझना थोड़ा ध्यान से बेटा. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. कैटलिस्ट मैंने बोला ईआरईपी में कोई चेंज नहीं करेगा, अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट उसी रिएक्शन की थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्या कर देगा, कम कर देगा. और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, नेगेटिव कैटलिस्ट थ्रेशोल्ड एनर्जी को बढ़ा देता है. नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी को बढ़ा देता है. ठीक है, तो ये हो गया मेरा ईटी डबल डैश. ये वाला पॉइंट हुआ मेरा ईटी, मतलब ईटी हुआ ये वाला विदाउट कैटलिस्ट और ये नेगेटिव कैटलिस्ट के साथ, और ये है मेरा पॉजिटिव कैटलिस्ट के साथ. ठीक है, यहां से यहां का डिफरेंस होगा एक्टिवेशन एनर्जी का, और यहां से यहां का डिफरेंस होगा ये डैश मतलब पॉजिटिव वाले का, और यहां से इससे भी ऊपर वाले का होगा ये डबल डैश. ये क्या हो जाएगा, डबल डैश हो जाएगा. आई बात समझ में, तो ध्यान से समझो. ठीक है, इसका मतलब ये होगा सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी होगी ईटी डबल डैश, उसके बाद किसकी एनर्जी होगी ईटी की, और सबसे कम किसकी होगी ईटी डैश. ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी किसके सबसे ज्यादा होगी, ईए डबल डैश की, उससे कम किसकी होगी ईए के, और सबसे कम होगी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस. तो ये आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, देखो क्योंकि डिफरेंस ज्यादा है,
देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी जब कम होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा तो रेट क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव कैटलिस्ट जाने पर एटी बढ़ गई तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब रेट ऑफ द रिएक्शन घट चुका है इसका मतलब ये हो चुका है कि आपका जो ये है रिएक्शन क्या हो चुका है, काफी स्लो हो चुका है। आपका रिएक्शन क्या हो चुका है, काफी स्लो हो चुका है। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ तक अगर आपको चीजें क्लियर हो चुकी है, हाँ, बट क्या चीजें चेंज नहीं होंगी, ईआर नहीं चेंज होगा, ईपी नहीं चेंज होगा और डेल्टा एच में कोई भी चेंज नहीं आएगा, मतलब नो चेंज। इनमें कोई भी चेंज भैया नहीं होने वाला है, इन बातों को याद रखिएगा, इनमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है? अभी तक तो हमने के का वेरिएशन देखा था टेम्परेचर के साथ, तो उसका फॉर्मूला क्या बनता था, एलन के टू बाई के वन डेल्टा क्या होता ओके नाउ नेक्स्ट आवर इज वेरिएशन ऑफ के ऑन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, ऑन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, ऑन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। आखिर कैटलिस्ट के यूज करने से क्या होगा, ठीक है? फॉर्मूला क्या होता है, के बराबर ए डैश टू ई माइनस ई ए बाय आर टी, टेम्परेचर का वेरिएशन देखा था, ठीक है? ठीक है, अगर मैं बात करूं विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट की बात करूं मैं, ठीक है? विदाउट कैटलिस्ट में मेरा एक्टिवेशन एनर्जी मैंने क्या माना था, ई ए माना था रेट, और एक्टिवेशन एनर्जी ये तो रेट कॉन्स्टेंट ऑटोमेटिकली क्या होगा, के होगा। पूछो क्यों, ये कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट, मतलब ई ए चेंज होगा डायरेक्ट यहां से के साथ, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला अगर आप एक इफेक्ट देखते हो तो बाकी सारे इफेक्ट को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा। कंसंट्रेशन से यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, तो सीधा या तो एक्टिवेशन एनर्जी वेरिएबल हो या तो टेम्परेचर वेरिएबल हो, क्योंकि टेम्परेचर के साथ हमने ऑलरेडी देख चुके रिलेशन, टेम्परेचर वेरी करने पर रेट कॉन्स्टेंट कैसे वेरी करे। अभी हमें कैटलिस्ट करेगा तो टेम्परेचर क्या रखेंगे, कॉन्स्टेंट, मतलब एक्टिवेशन कैटलिस्ट डालने पर वेरिएशन किसका आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी का आएगा, और जब एक्टिवेशन एनर्जी का वेरिएशन आएगा तभी के का वेरिएशन आएगा। तो जब ई ए था तब रेट कॉन्स्टेंट मैंने क्या माना, के माना, तो के का फॉर्मूला क्या होगा, के ए डॉट ई रेज टू माइनस ई ए बाय आर टी। पहला विथ कैटलिस्ट, विद कैटलिस्ट, अगर विद कैटलिस्ट की बात करूं, लेट अज्यूम पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात कर रहा हूं, तो मैं ई ए डैश और ये मेरा क्या हो जाएगा, पी के डैश। देखो यहां से यहां का गैप कितना दिया मैंने, ई ए डैश दिया, ठीक है? तो ये की अगेन फॉर्मूला क्या बनेगा, के डैश बराबर ए डॉट माइनस ई ए डैश बाय आर टी, ये मेरा बनेगा सेकेंड फॉर्मूला। क्या बनेगा मेरा सेकेंड फॉर्मूला, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेकेंड को डिवाइड कर रहा हूँ वन से, तो के डैश बाय के इज इक्वल टू a डॉट माइनस ई ए डैश बाय आर टी अपॉन a डॉट माइनस ई ए बाय आर टी, ये a कैंसिल हो जाएगा, k डैश बाय k इज इक्वल टू तो e माइनस ई ए बाय आर टी, माइनस ई ए बाय आर टी क्या हो जाएगा, ये अच्छा 1 बाय आरटी कॉमन लेते हैं, चलो ठीक है, मैं यहां से डायरेक्ट कर रहा हूं, e रेस टू 1 बाय आरटी कॉमन ले रहा हूं, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ea माइनस ea डैश ea बाय आरटी ea बाय ea माइनस ea डैश, ठीक है? तो ln ln लगा देता हूं, तो ln k डैश बाय k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ई ए माइनस ई ए डैश अपॉन आर टी, ठीक है? ये फॉर्मूला आपको यूज करना है जब कैटलिस्ट के साथ वेरिएशन का पूछेगा, किसका पूछेगा, कैटलिस्ट का साथ, या तो आपसे ऐसा पूछ सकता है, या तो क्या पूछेगा, लॉग के डैश बाई के इज इक्वल टू
ए माइनस ए डैश बाय 2.303 आरटी। ठीक है, या तो आपसे ये पूछ सकते हैं, इन दोनों में से कोई आपसे एक चीज पूछ सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ से आपका पार्ट ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। ठीक है, अब आपको एक लास्ट टॉपिक बच रहा है। ठीक है, लास्ट टॉपिक भी देख लेते हैं, जो है दैट्स नथिंग बट मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो कैटलिस्ट का हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन की। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, हालांकि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन जो होता है बेटा प्योर थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, आखिर मैकेनिज्म के बेसिस से हम रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है मेरा सिंगल स्टेप रिएक्शन, दूसरा पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं ऑन बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ऑन बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्लासिफाइड एज पहला सिंगल स्टेप रिएक्शन, दूसरा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। दूसरा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, या इसको हम सिंपल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम इसको, सिंपल रिएक्शन। ठीक है, तो पहला मैं लिख देता हूं, सिंपल रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं। सिंपल रिएक्शन क्या होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन क्या होता है, सिंपल रिएक्शन होता है। ठीक है, रिएक्शन विच आर कॉम्प्लीटेड, रिएक्शन विच आर कंप्लीटेड इन अ सिंगल स्टेप आर नोन एज सिंपल रिएक्शन। इनको क्या बोला जाता है, सिंपल रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, और ऑब्वियस से बात है, जब रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब देयर इज नो चांस ऑफ फॉर्मिंग इंटरमीडिएट। कभी भी याद रखना, सिंगल स्टेप रिएक्शन में या एलिमेंट्री रिएक्शन में या सिंपल रिएक्शन में कभी भी इंटरमीडिएट बनता ही नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा, रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी इंटरमीडिएट, रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट नहीं बनता। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें वही ऐसे और ऐसे, तो ये तो थ्रेशोल्ड एनर्जी हुआ, मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अलग होता है और इंटरमीडिएट अलग होता है, दो अलग अलग बातें होती है। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब वहां से प्रोडक्ट बनना चालू हो जाता है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट है जो याद रखिएगा। ठीक है, सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। क्या डिफाइन करते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। आखिर मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी होती है भैया द नंबर ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। देखिए ध्यान से सुनेगा, मॉलिक्यूलरिटी वाला पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी जेई नीट में या मीन्स या नीट में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत आता है। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का क्या डिफरेंस है, देखो फिर से मैं समझा रहा हूँ, हर एलिमेंट्री स्टेप का अपना एक मॉलिक्यूलरिटी होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या था, कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। हो सकता है एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो, तीन रिएक्टेंट हो, चार हो, पर चार से ज्यादा कभी हम कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं करते वो आगे बताऊंगा। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन मतलब भाई कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि और ये जो मॉलिक्यूलरिटी होता है, मतलब सिंगल स्टेप मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन ही सिर्फ सिंगल स्टेप के लिए होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कभी भी डिफाइन नहीं होती है। हाँ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब ये कि जो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होता है, तो हर स्टेप का अपना एक मॉलिक्यूलरिटी होगा, बट ओवरऑल हम पूरे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, पहली बात, ये दोनों का डिफरेंस समझ में आया, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या था। दूसरा, मॉलिक्यूलरिटी आप किसी भी रिएक्शन को देख के बता सकते हो कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, बट आप ध्यान से सुनना, बट आप किसी रिएक्शन का ऑर्डर देख के नहीं बता सकते। तो बेसिकली ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है और मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल, जिसको आप देख के भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, चलो ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूं, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन
वी कैन डिफाइन मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एंड इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच मेक्स ट्रांजिशनल स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विच मेक्स ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विच मेक्स ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ कोलिजन इन प्रॉपर ओरिएंटेशन, बिकॉज ऑफ कोलिजन इन प्रॉपर ओरिएंटेशन, बिकॉज ऑफ कोलिजन इन प्रॉपर ओरिएंटेशन विथ सफिशियंट एनर्जी विथ सफिशियंट With sufficient energy and on the basis of molecularity reaction and on the basis of molecularity reaction are classified as reaction are classified as ठीक है रिएक्शन आर क्लासिफाइड एज ठीक है देखो मॉलिक्युलरिटी का फिर से मतलब मैं समझा देता हूं. फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन वी कैन डिफाइन मॉलिक्युलरिटी एंड इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच मेक्स ट्रांजिशन स्टेट. मतलब जितने भी रिएक्टेड मॉलिक्यूल होंगे वही ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे ठीक है. और मतलब कैसे ट्रांजिशन स्टेट, एक तो जैसे मान लो मैंने तीन दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया तो मतलब मेरे लिए मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, टू हुई. तो ये कोलाइड करेंगे विद प्रॉपर ओरिएंटेशन विद प्रॉपर ओरिएंटेशन विद सफिशिएंट एनर्जी तो ये ऑटोमेटिकली क्या बनाएंगे, ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे. वही क्या होती है मॉलिक्युलरिटी. अगर मॉलिक्युलरिटी डिफाइन करने के लिए मतलब क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं. ये बात समझ सकते हो ठीक है. चलो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्युलरिटी रिएक्शन क्लासिफाइड एज, पहला होता है यूनिमॉलिक्युलर. क्या होता है यूनिमॉलिक्युलर, मतलब क्या होगा यूनिमॉलिक्युलर, मतलब एक रिएक्टेंट वाला, मतलब डायरेक्ट एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है ठीक है. खैर इसका मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं होता, बट याद रखिएगा लिंडेमान्स थ्योरी, लिंडेमान्स थ्योरी से हम इसका मैकेनिज्म जान सकते हैं ठीक है. सेकेंड है बाय मॉलिक्युलर ठीक है. बाय मॉलिक्युलर हमारे सिलेबस में या तो बाय मॉलिक्युलर है या तो ट्राई मॉलिक्युलर है ठीक है. ए प्लस बी टेंड्स टू प्रोडक्ट, ए प्लस बी टेंड्स टू प्रोडक्ट, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, दो होगी ठीक है. दो रिएक्टेंट मॉलिक्युलर, तीन होता है ट्राई मॉलिक्युलर. क्या होता है ट्राई मॉलिक्युलर, ट्राई मॉलिक्युलर मतलब ए प्लस बी प्लस सी टेंड्स टू प्रोडक्ट, इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, थ्री होगी. क्या होगी, थ्री होगी. आई बात समझ सबको, कोई डाउट यहां तक. अच्छा एक बात हो रहा, इसी को सिंपल रिएक्शन या इसी को हम एलिमेंट्री रिएक्शन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन. तो ये बात याद रखिएगा ठीक है. तो सिंगल स्टेप रिएक्शन ही मेरे लिए क्या होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन भी होता है ठीक है. हाँ अच्छा एक बात और, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन देखो, पहला डिफरेंस तो मैंने क्या बताया था, एक तो मॉलिक्युलरिटी थ्योरेटिकल क्वांटिटी होता है, ऑर्डर प्रैक्टिकल होता है. मतलब ऑर्डर आप एक्सपेरिमेंट से बता दो, मॉलिक्युलरिटी आप देख के बता सकते हो ठीक है. दूसरा क्या कहो, ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है फ्रैक्शन हो सकता है, बट मॉलिक्युलरिटी कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन हो सकती है. मतलब मॉलिक्युलरिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली वो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर, और नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ना फ्रैक्शन में हो सकता है ना नेगेटिव हो सकता है. तो ये याद रखिएगा ठीक है. क्या कि मॉलिक्युलरिटी, मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी जीरो नेगेटिव और फ्रैक्शनल, जीरो नेगेटिव और फ्रैक्शनल ठीक है. और एक बात और, रिएक्शन हैविंग
मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3 आर वेरी रेयर। मतलब पहली बात तो मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा अगर हो गई, 3 तक भी मान सकते हैं कि एक बार वो रिएक्शन के होने के चांसेस है, होगा ये ना हो ये मैं हम कभी बोल नहीं सकते। मैं ये बायो मॉलिक्यूल तो चलो 100% रिएक्शन प्रोसीड करेगा ही करेगा, ठीक है, लेकिन ट्राई मॉलिक्यूलर में भी थोड़ा बहुत रेयर चांसेस होता। और 4 मॉलिक्यूलरिटी हो गई किसी रिएक्शन की, तो रिएक्शन सिंगल स्टेप में नहीं हो सकता। ये हो सकता कि वो डबल स्टेप में 3-4 स्टेप में हो, बट सिंगल स्टेप में नहीं होता। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी हम हमेशा सिंगल स्टेप के लिए डिफाइन करते हैं, इसलिए क्या होती है मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा कभी भी डिफाइन नहीं होती। और नहीं समझ में आता ऐसा समझो, मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है, ए है बी है सी है, ठीक है, ए है बी है सी है और डी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से है मान लो, ठीक है। ये अब जैसे सपोज करो जिंदा आदमी मेरे लिए रिएक्टेंट है और आदमी मर गया तो वो मेरे लिए प्रोडक्ट है। तो अभी दो कार सामने से टकरा रही है, तो जब टकराने से पहले तो आदमी जिंदा होगा कार के अंदर, ये तो मानते इस बात को। तो जब ये टकराए फुल स्पीड से, मतलब विद द प्रॉपर ओरिएंटेशन मतलब हेड टू हेड कॉलिजन, और एनर्जी भी इनके पास सफिशियंट है, तो मतलब 100% जब ये कॉलिजन होगा इफेक्टिव कॉलिजन होगा, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट बनने का 100% चांस है। यहाँ पे मुश्किल है, देखो ज्यादा ज्यादा ये 3 जन एक साथ टकराएगा तो बहुत ज्यादा क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा गाड़ी डैमेज होगा, हाथ पैर टूटेगा, बट आदमी मर नहीं सकता। इसमें तो और भी नहीं मरेगा, क्योंकि मान के चलो इसमें कितना भी स्पीड हो तो भी आदमी मर नहीं सकता 4 में। तो इसलिए 4 मॉलिक्यूलरिटी वाली रिएक्शन हमेशा रेयर मानी जाती है, वो कभी सिंगल स्टेप में प्रोसीड नहीं होगा। इसका मतलब पहले ए से बी रिएक्ट करेगा, फिर जो प्रोडक्ट होगा वो सी से रिएक्ट करेगा, फिर जो प्रोडक्ट होगा डी से, मतलब मैं ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ। बट ग्रेटर देन 3 या 3 वाली मॉलिक्यूलर रिएक्शन कभी सिंगल स्टेप में नहीं हो सकती, यही मेरा मतलब था, समझ में आया बस, ठीक है। तो एक लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सिंपल स्टेप के लिए, सिंस सिंपल रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन अ, सिंस सिंपल रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन अ सिंगल स्टेप, इन अ सिंगल स्टेप, सो दैट विल बी rate determining step, so order of reaction will be equal to molecularity। मतलब समझ में आया कि अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है, मतलब वही स्टेप उसके लिए क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही हमेशा क्या बताता है, मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताता है, और जो मॉलिक्युलरिटी होगी की वही उसके लिए क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। आई बात समझ में, जैसे एक एग्जांपल में समझाता हूं, सपोज करो H2+I2 ट्वाइस ऑफ HI, मैंने ऐसा कोई रिएक्शन दिया, मैंने खुद बोल दिया ये रिएक्शन सिंपल है, ये रिएक्शन क्या है, सिंपल रिएक्शन है, मैंने खुद से बोला आपको, ठीक है, रिएक्शन में गिवन है, तो इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना हुआ, दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर, इसका मतलब यही उसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी, ठीक है। व्हाट इज द ऑर्डर, ऑर्डर भी कितना होगा, दो होगा, इसका वन, क्योंकि सिंपल रिएक्शन के लिए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसका क्या होता है, ऑर्डर, तो यहां पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 और 1 है, तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या लिख सकता है, आर के एच टू और आई टू, आई बात समझ में, आर के एच टू और आई टू, आई बात समझ में, चलो ठीक है। यहां तक में जैसे अगर मैंने ऐसा रिएक्शन दिया 2A+B टेंस टू प्रोडक्ट, ठीक है, और मैंने अगेन ये रिएक्शन क्या बोल दिया, भैया ये रिएक्शन क्या है, सिंपल है,
तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर टेस्ट के 3 है, तो इसका ऑर्डर भी कितना होगा, 3 ही होगा। ठीक है, यहां तक आपको भाई आई बात समझ में। चलो जैसे एग्जांपल मैंने दिया, जैसे सपोज करो ए प्लस बी प्लस सी ये प्रोडक्ट दे दिया। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन मैंने रेट ऑफ द रिएक्शन दिया हुआ है ए का पावर 1 बी स्क्वायर और सी क्यूब, या चलो सी 1/2 दे दिया मैंने। ठीक है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, इसका ऑर्डर कितना होगा। ठीक है, ऑब्वियस बात है, ऑर्डर तो कितना, मॉलिक्यूलरिटी तो कितना बोलोगे, 3 बोलोगे, बट व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर इसका पास 3.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3.5। इसका मतलब दिस विल बी नॉट अ सिंपल रिएक्शन, ये मेरे लिए सिंपल रिएक्शन नहीं हो सकता। सिंपल रिएक्शन का हमेशा मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए और स्टैच्यू देखो, यहाँ पे स्टैच्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन इसका ऑर्डर कितना है, 2। तो ऑब्वियस बात है ये एक स्टेप का रिएक्शन नहीं होगा, मल्टीपल स्टेप में हुआ होगा, तभी इसका ऑर्डर चेंजेस हो रहा है। तो देखो तो ओवरऑल क्या है कि मॉलिक्यूलरिटी 2 से ज्यादा हो जाए, 3 हो जाए, तो सिंगल स्टेप में होने के चांसेस बहुत रेयरली होता है। ठीक है, अगर यार मान लो इसी रिएक्शन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ट्वाइस ऑफ H2 प्लस I2 ट्वाइस ऑफ HI, क्या रिएक्शन अब ये सिंपल होगी, क्या इसकी मॉलिक्यूलरिटी अभी भी ऑर्डर का ऑफ द रिएक्शन के बराबर हो, तो नहीं हो, ऑर्डर अभी भी इसका कितना रहेगा, इतना रहेगा, मॉलिक्यूलरिटी चेंज हो जाएगी, इसका मतलब ये सिंपल रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इन सब छोटी छोटी बातों का हमें क्या ध्यान रखना है, इन सब छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अगर हम नेक्स्ट, अब सिंगल सिंपल स्टेप का तो चीजें क्या हो चुकी है, तुम्हारी खत्म हो चुकी है सिंपल स्टेप में। ठीक है, सिंपल स्टेप में कुछ है नहीं, दो ट्रांजिशन स्टेट में एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, हमेशा याद रखना, दो ट्रांजिशन स्टेट में एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, मतलब अगर एक इंटरमीडिएट जितने ज्यादा होंगे उससे एक ज्यादा हमेशा ट्रांजिशन स्टेट होता है। तो ये सब बातें थोड़ी बहुत ध्यान रखी हुई। ठीक है, तो रिएक्शन विच इज कंप्लीटेड इन मोर देन वन स्टेप is known as complex reaction। ठीक है, सेकेंड क्या होता है इसमें, जो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इस दूसरा अपन ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन्वॉल्व complex reaction involves reaction intermediate complex reaction involve reaction intermediate comma detailed step by step description of any chemical reaction is known as mechanism of reaction। Is that clear? ठीक है, मतलब mechanism of reaction क्या है? Detail step by step का आखिर कौन सा कैसे चीज बन रहा है, कौन सा intermediate कैसे बन रहा है, intermediate product में कैसे convert हो रहा है, मतलब detail step by step को हम क्या बोलते हैं, mechanism of the reaction बोलते हैं।
ठीक है, डिफरेंट, और हर स्टेप क्या होता है अपने आप में एलिमेंट्री होता है, भले चार स्टेप हो रहे होंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, लेकिन हर स्टेप अपने आप में क्या है एलिमेंट्री रिएक्शन होगा, याद रखना ठीक है। डिफरेंट स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, डिफरेंट स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, डिफरेंट स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हैव डिफरेंट रेट, हैव डिफरेंट रेट एंड स्लोएस्ट स्टेप इज नोन एज एंड स्लोएस्ट स्टेप इज नोन एज आरडीएस। आरडीएस बोलते हैं, स्लोएस्ट स्टेप को हम क्या बोलते हैं, आरडीएस, ठीक है। अब ऑब्वियस बात है रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म तो होगा इनके बीच में, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, रिएक्शन के स्टार्ट होने के बाद बनता है और रिएक्शन के खत्म होने से पहले वो क्या हो जाता है, खत्म भी हो जाता है, इसलिए रेट ऑफ एक्सप्रेशन में कभी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं आता है। तो मैं लिख देता हूं आर आई, आर आई आर हाईली अनस्टेबल, आर आई आर हाईली अनस्टेबल, दे फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन, दे फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन स्टार्टेड, स्टार्टेड एंड 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 डिस्ट्रॉयड बिफोर द रिएक्शन, एंड डिस्ट्रॉयड बिफोर द रिएक्शन गेट कंप्लीटेड, रिएक्शन गेट कंप्लीटेड सो दे कैन नॉट अपियर, so they cannot appear in rate law expression, in rate law expression, so they cannot appear in rate law expression, ठीक है। रिएक्शन के स्टार्ट होने के बाद बनता है, खत्म होने से पहले वो भी खत्म हो जाता है, इसलिए रेट लॉ एक्सप्रेशन कभी भी नहीं होता, ठीक है। जैसे सपोज करो मेरा रिएक्शन ए से बी है, ठीक है, आपको मैकेनिज्म ग्राफ के अकॉर्डिंग बनाना है, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, ग्राफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हो गया आपका एनर्जी कोऑर्डिनेट और ये हो गया प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहां पे हो गया मेरा ए, ठीक है, पहला यहां, ठीक है, दूसरा, ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया बी, रिएक्शन मेरा कुछ इस तरीके का ग्राफ इस तरीके का। तो आपको ये तो पता है कि ये तो आपके क्या होंगे, ट्रांजिशन स्टेट, तो मतलब ये TS1 है, ये TS2 है और ये TS आपका 3 है, ठीक है। अब तो ये क्या होंगे आपका इंटरमीडिएट, तो लेट्स से सी और डी आपको क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट हो जाएगा, ठीक है, सी और डी आपको क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट हो जाएगा। चलो मैकेनिज्म खुद डिसाइड करना है कि इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। तो समझो
पहले स्टेप में कहां से जा रहा है? ए से सी में जा रहा है। कहां से जा रहा है? ए से सी में। फिर कहां से जा रहा है? सी से डी में जा रहा है। और फिर कहां से जा रहा है? डी से बी में जा रहा है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो ये कट जाएगा आपस में, तो अगेन नेट रिएक्शन ए से बी ही रहेगा। अब मुझे बताओ कि जैसे सपोज करो यहां से यहां ये होगा स्मॉल ए, यहां से यह हुआ, ये हुआ बी, ये हुआ चलो ए है ना, सी डी ई, ये हुआ स्मॉल एफ, ये हुआ जी और ये हुआ एच, ये हुआ आई। चलो अगर मैं ऐसा बोलूं ई एफ जी आई एच का मीनिंग क्या है, तो देखो ई का मतलब हुआ इट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फ्रॉम एच टू सी। तो जब तक कुछ ना दिया जाए तो रिएक्शन को आप इरिवर्सिबल ही मान के चलोगे। तो ई मेरे लिए क्या हुआ? ई मेरा एक्टिवेशन एनर्जी हुआ फॉरवर्ड रिएक्शन का ए से सी का, ठीक है। अगर मैं जी की बात करूं तो जी इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सी से डी वाले रिएक्शन का, और आई मेरा एक्टिवेशन एनर्जी है डी से बी वाले रिएक्शन का, ठीक है। उल्टा कर दिया, ठीक है, ये क्लियर है, ठीक है। आई मेरा एक्टिवेशन एनर्जी हुआ आई से बी, तो ई जी आई मेरा एक्टिवेशन एनर्जी है तीन स्टेप वाले रिएक्शन का, तीन, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है? सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो अगर मैं सिर्फ इतना देखूं तो देखो ये एक सिंगल स्टेप है, अगेन ये हटा दो तो ये सिंगल स्टेप है, ये एक सिंगल स्टेप, तो तीनों को कंबाइन कर दो तो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं एफ और एच की बात करता हूं, एफ और एच आपको क्या डिनोट कर रहा था? देखो एफ डेल्टा एच रिप्रेजेंट कर रहा है कौन से रिएक्शन का? ए से सी वाले रिएक्शन का, और एच ओवरऑल रिएक्शन का डेल्टा एच रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से सुनना, एफ ए से सी वाले का डेल्टा एच रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एच जो है पूरे रिएक्शन का डेल्टा एच, देखो ये यहां से चलो ऐसा समझो, ये और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ए का यहां पे है बी का यहां पे रहा, तो एच मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा? ओवरऑल रिएक्शन का डेल्टा एच, और एफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? सिर्फ ए से सी वाले का डेल्टा एच। तो ये सब मीनिंग में भी आपसे कभी कभी पूछ सकते हैं। अब इससे पूछेगा व्हाट इज द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, तो ऑब्वियस बात आपको दिख रहा होगा एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, किसकी है? ए से सी वाले का, तो स्लोएस्ट स्टेप भी क्या होगा? यही वाला होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? तो इसमें मैं लिख देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एलिमेंट्री स्टेप। वो आपको दिख रहा है ईच स्टेप ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एलिमेंट्री स्टेप है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या? ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ओवर ऑल मॉलिक्युलरिटी ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, बट वी कैन डिफाइन मॉलिक्युलरिटी ऑफ ईच स्टेप। ओवरऑल इसका मॉलिक्युलरिटी बताना नामुमकिन है, बट हर स्टेप का अपना एक मॉलिक्युलरिटी होगा, ये कंफर्म है, क्योंकि हर स्टेप अपने आप में क्या है? एलिमेंट्री स्टेप है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का होगा वही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी होगा, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से नीट वालों का सिलेबस खत्म हो चुका है, मतलब नीट वालों का एक चैप्टर आपके लिए कंप्लीट हो चुका है। बस जेई वालों के लिए दो 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 दिन का और टॉपिक बचा है, ठीक है, सीरीज ऑफ पैरेलल रिएक्शन का, ठीक है। तो यहाँ से आई होप सो आपको चार चीजें समझ में आएगा, मीडियम बेसिक में प्योर थ्योरेटिकल पार्ट था, थोड़ा बहुत आपने आर्गेनिक में
पढ़ाता बेसिकली क्या, तो केमिकल काइनेटिक्स में हमें ये पता चलता ओवरऑल थीम पता चलता ऑर्गेनिक रिएक्शन का, बट एक्चुअल में तो चीज़ आप ऑर्गेनिक रिएक्शन में पढ़ते हो। ठीक है, तो यहाँ तक आया सबको सारी चीज़ समझ में आएंगे, तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।